तब तक ये सब कुछ होता है जब ऐसे ये हाल है हमारे पाकिस्तानी। ये आप देखें, अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी जाहिल इंसान ने पानी का जग भर के जो है ना वो हमारे ऊपर फेंक दिया सिर्फ हमें इंटरप्ट करने के लिए कि ये खातून यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू ना करे। ये हाल है, अच्छी बातें करे ना तो कितनी अच्छी बात नहीं ना हुई। भिखारी है, सब भिखारी है, जाहिल आवाम का क्या करना है जो यहाँ पे पानी फेंक के जा रही है। सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए गए हैं, यहाँ पे खड़ा होकर मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। ये हरकतें हैं पाकिस्तानियों की, ये पाकिस्तान में खातून की इज्जत करना नहीं जानते, बाहर जाके जूते ही खाएंगे। ये नवाज शरीफ की बलादरी के हैं, पढ़ रहे हैं जूते, वो खा नहीं रहे, पढ़ रहे खाएंगे नहीं, पढ़ रहे हैं जूते। जो करेक्टर है ना इंसान का, हमारा करेक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते ना ये पाकिस्तानी है यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है यार? ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, दो घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हमारा माशरा जो हमारा मुल्क के नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चलते। थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ साल दो साल का आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीजा नहीं देना जो आपकी हालत है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो हाल ही में यूएई ने एक ही दिन में 3000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है दोबारा से पाकिस्तान में। जो पाकिस्तानी आवाम है वो जॉब के बहाने वीजा लेके यूएई देश में जाती है और वहां पे जाते ही वो भीख मांगना शुरू कर देती है, जिससे जो यूएई की सरकार है काफी परेशान है और उन्होंने बोला है कि इससे हमारे देश की जो इमेज है बड़ी खराब होती है, डाउन होती है। तो इस वजह से उन्होंने जो पाकिस्तानी जो भिखारी हैं जो वहां पे भीख मांगते हैं उनको उठा के पटक दिया है वापस पाकिस्तान, यानी कि उनको डिपोर्ट कर दिया है दोबारा से पाकिस्तान। यूएई की सरकार ने स्पेशल से ये पाकिस्तानी सरकार को गुहार लगाई है कि आइंदा से कोई भी पाकिस्तानी अगर आया और उन्होंने यहाँ पे हमारे देश में भीख मांगना शुरू कर दिया तो जल्दी यूएई भी जो अपना वीजा है वो बंद कर देगी, पाकिस्तान का कोई भी जो आवाम है वो यूएई नहीं जा पाएगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी आवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं, जॉब के बहाने या किसी बिजनेस के बहाने वो वीजा लेके बाहर देशों में जाते हैं और वहां जाके वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं जिसके कारण जो वहां की सरकार है परेशान हो जाती है और एंड ऑफ द डे उनको डिपोर्ट कर देती है दोबारा से पाकिस्तान में। तो इसके क्या वजह है कि पाकिस्तानी आवाम मेहनत नहीं करना चाहती है और सिर्फ आसान रास्ता ढूंढना चाहती है पैसे कमाने का, जो कि है भीख मांगना। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है, हमें स्किल सीखना है और स्किल के साथ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अच्छा, ठीक है। जो आपने जिक्र किया इंडिया का, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है मगर वो उसके लिए इतना काम करें उनकी उनको स्किल्ड देने के लिए, तो यहाँ जब तक हम स्किल लेंगे सीखेंगे स्किल सीखेंगे फिर बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी, अदरवाइज तो हम बेकारी कौम हैं। दूसरे मुल्कों के लोगों को इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं हैं, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौम है। इसका मतलब है, इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं, हम तो सिर्फ इजी वे ढूंढते हैं और इजी वे वही है जो मांगने का है। मेरी पिछले दिनों मैं एक वीज़ा कंपनी के पास गया हुआ था और मेरी वहाँ पर जो वीज़ा का काम करता बंदा उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें कुछ साल दो साल का, आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीज़ा नहीं देना जो आपकी हालत है। हम सिर्फ उस जो सबसे कम लेवल के पेशे हैं हम जाके वही करें, कोई सफाई का कर रहा होगा, कोई किसी गैस स्टेशन पे होगा, कोई किसी बिल्कुल लोअर क्लास जो जॉब्स हैं हम जाके वही करेंगे। अफगानिस्तान को डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, मगर हमारे तो अपने पास नहीं है तो हम किसी को क्या दे। हमारे मुल्क के हालात हमारी वहां ऐसा है कि हम जाते ही वीजा लेके इधर से उधर दुबई में जाके मांगना शुरू कर देते हैं, इधर भी मांगते हैं उधर भी मांगते हैं, मांगने का काम नहीं छोड़े, चाहे पाकिस्तान से हम दुबई चले गए मांगने का काम नहीं छोड़े हम। वो हमारी ना जो कहते हैं ना बच्चे हैं,
तो शुरू से हमारी हालत ही ऐसी कर दी, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम मांगने में मजबूर है, चाहे इधर मांगे चाहे उधर मांगे, हमने मांगना या मांगने के अलावा हमारे पास, हमारा करेक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है यार इसको बाहर निकालो, इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है यार, ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, दो घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे, ये हमारा माशरा जहाँ हमारा मुल्क के नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चलते, हमारा जो इधर हमारा किरदार है ना वही हम बाहर जाके बनाते हैं, लेकिन इधर तो बर्दाश्त हो जाता है, बाहर वाले बर्दाश्त नहीं करते, वो उठा के बाहर मारते हैं, रेडी वाले का देख रहे हैं जो फल बेच रहे हैं वो इतनी दो नंबरी कर रहे हैं, उन्होंने जो गला हुआ फल है वो एक साइड पर रखा हुआ है, ठीक है, ग्राहक के सामने वो पैक करते हैं, वो शॉपर साइड पे करते हैं, जो गले हुए फल का एक शॉपर है वो उनको दे देते हैं, हम ये छोटा तबका है रेडी वाला और ये दो नंबरी करते हैं, और हम लोग बड़े मशहूर हैं, अक्सर ये होता है कि लोग यहाँ से उमरा करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे लोग जाकर भीख मांगते हैं, वो 1.5-2 लाख रुपया उमरा पे लगाते हैं और वहाँ पे लाखों रुपये वो कमाते हैं वहाँ से, तो ये डिपेंड करता है हमारे करेक्टर के ऊपर, हम पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं। मोदी ने कहा था 10,000 डैम उसने बना दिए अपने मुल्क में, और जो मिडिल क्लास है, लो क्लास उनकी सारा तबका है ना, उनके लिए उन्होंने 200 यूनिट से 150 यूनिट फ्री कर दिया, ऐसा ही है ना, वो फ्री कर दिया, हमें क्या होता है, एक घर में बंदा सुबह मजदूरी करता है, जाता है शाम को घर वापस आता है, नॉर्मल घर में 2 मियाँ बीवी रहते हैं, 2 बच्चे हैं साथ उनके, उनका बिल कितना आता है, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, उसकी सैलरी कितनी होती है, 20,000, 25,000, 30,000, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000, तो वो बंदा कैसे सेक्रीफाइस करेगा, वो मांग के गुजारा करेगा ना अपना, तो फिर मांगेगा या चोरी करेगा या डकैती करेगा, फिर उसको जो समझ आता है उसको पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए वो सब कुछ करेगा। मैम हम कहते हैं कि जब भी हमारे मुल्क में हालात बुरे आते हैं ना या पैसों की कमी होती है, तो हम कहते हैं IMF के पास चले जाओ, कर्जा ले लो, अब कर्जा तो ले लेते हैं, वो निकलता किधर से है, हम जैसे लोगों से निकलता है, टैक्सेस बिल निकाल के देख लें, पीछे उस पर लिखा होगा बिजली चोरी करोगे तो जेल जाओगे, ये करोगे तो जेल जाओगे, कहीं लिखा होता है जिसके पास पैसे नहीं है वो बिल ना दे, आए रिपोर्ट लिखाए हम उससे पैसे नहीं लेंगे, कहीं होता है फैसिलिटीज दो ना अपने, जो वहाँ हमारे रहायशी है मुल्क का उसका फैसिलिटीज दो, इधर कहीं सोसाइटी में चले जाओ, ये बंदा चला जाता है, मैं चला जाता हूँ, हमें रोक लेंगे, भाई किधर जा रहे हो, आपको नहीं पता ये गैर एरिया है, मतलब एक मुल्क में रहते हैं हम, इधर में पैदा हुए, हमारी ID कार्ड पर लिखा हुआ है हम पाकिस्तान के रहायशी हैं, तो किसी जाते हैं वो जो जगह अगर अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं हमारी प्रॉपर्टी है जी, आपने इधर से नहीं खड़ा होना, तो ये जब चीज़ें हो जाती है ना डिवाइड, तब तक ये सब कुछ होता है, जब ऐसे ये हाल है हमारे पाकिस्तानी, ये आप देखें, अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी जाहिल इंसान ने पानी का जग भर के जो है ना वो हमारे ऊपर फेंक दिया है, सिर्फ हमें इंटरप्ट करने के लिए कि ये खातून यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू ना करे, ये हाल है, अच्छी बातें कर रहे हैं ना, तो कितनी अच्छी बात, हजम नहीं ना हुई, हजम है, भिखारी ये सब भिखारी है, ये इमरान खान को ले आओ ये सब खत्म हो जाएगा, ये इन चोरों को खत्म करो तो मांगने वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, आप लोग ये नवाज शरीफ के पीछे पड़े हो, इसको छोड़ो, इमरान खान के साथ कड़ा हो जाओ, आपका जो ना जाहिल आवाम का क्या करना है, जो यहाँ पे पानी फेंक के जा रही है, सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए गए हैं, यहाँ पे खड़ा होकर मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, ये हरकतें पाकिस्तानियों की, ये पाकिस्तान में खातून की इज्जत करना नहीं जानते, बाहर जाके जूते ही खाएंगे, ये नवाज शरीफ की बलादरी के ना, पढ़ रहे हैं जूते वो खा नहीं रहे, पढ़ रहे खाएंगे नहीं, पढ़ रहे हैं जूते और पढ़ते रहेंगे मजीद, जिस तरह हमारे हालात है ना मुल्क में पढ़ते ही रहने, हम जहाँ भी जाएंगे मैडम हमारी इज्जत नहीं होगी, क्यों, तो हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी, हम जोन से भी मुल्क जाएंगे हम चितर ही खाएंगे उन लोगों से, क्यों, तो जैसे हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं फिर वहाँ जाके वैसे काम तो नहीं चलते, जब हम बाहर मुल्कों में जाके ऐसे काम करें, तो जैसे ऊपर हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए, तो इससे हमें मौत ही अच्छा है, पाकिस्तानियों के तो अभी इज्जत रह ही नहीं गई, हम जहाँ भी जाएंगे हमारी इज्जत नहीं होगी, मत ये स्ट्रिक्ट इनकी पॉलिसी बनाए, एक इंटरव्यू पॉलिसी बनाए कि बाहर किस लिए जा रहे हैं, ये अनपढ़ लोग जो बाहर जा रहे हैं उनके पास हुनर है, अगर उनके पास हुनर नहीं है तो फिर ये उनको बैन करना चाहिए उन लोगों को, सऊदी अरेबिया ने तो डायरेक्ट हमारी गवर्नमेंट को बोला है कि जो हुनरमंद लोग नहीं है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, आप उन्हें हमारे मुल्क में ना भेजें, इवन के ईरान इराक का कहना है कि हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी कैदियों से, ये यहाँ पे आते हैं हज उम्र की गर्ज से और बाद में आके भीख मांगने लग जाते हैं, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि हमारी एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है, हमें पहले अपनी एजुकेशन को अच्छा करना है, ठीक हो गया उसके बाद एजुकेशन को ठीक करने के बाद हमारे गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना चाहिए कि जो बेरोज़गार हैं, जो हुनरमंद हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, जो एजुकेटेड हैं और बेरोज़गार हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको वो सपोर्ट करें बाहर जाने के लिए, ना कि उन लोगों को जो जिनके पास हुनर नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है,
उन लोगों ने बाहर जाके क्या करना है, उनके पास विजन ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए हमने वीडियो देखी, तो इसमें हमने जाना जो पाकिस्तानी आवाम क्या करती है जॉब के बहाने या कोई भी हज के बहाने, वो क्या करती है वीजा ले लेती है कोई भी देश का। उसके बाद क्या करती है, वहां जाके वो भीख मांगना शुरू कर देती है और वो आसान रास्ता चूज करती है जो पैसे कमाने का। तो उनके पास एक ही रास्ता रह जाता है भीख मांगने का, तो वहां जाके भीख मांगती है। बट क्योंकि उनके पास उतनी एजुकेशन नहीं होती, उस लेवल का उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होता जो उनको अच्छी जॉब मिले। और इस पे पाकिस्तानी आवाम ने खुद ये बोला है कि जो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके पास वो स्किल्ड नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, जिससे अगर वो बाहर देशों में जाते भी हैं वहां पे उनको कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले, क्योंकि उनके पास एक तो अप टू डेट वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती और वो स्किल नहीं होता जो चाहिए होता है जिसमें उनको अच्छी जॉब्स मिले और अच्छी सैलरी मिले। तो क्या करते हैं, वो लो लेवल का काम शुरू कर देते हैं, जैसे गैस स्टेशन में लग जाते हैं पेट्रोल भराने के लिए, या सफाई वगैरह जैसे मॉल होता है टॉयलेट साफ करना, या पूरा हाउसकीपिंग स्टाफ मतलब सफाई कर्मचारी हो गया, और लो लेवल के जो जॉब्स हैं वो वहां पे करना शुरू कर देते हैं। और थक हार के और भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या उनको वहां से भी जॉब से निकाल देते हैं, तो एंड ऑफ द डे वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो अब तो जो पाकिस्तानी आवाम है उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी सरकार तो भीख मांगती है अमेरिका से, IMF से, और अब पाकिस्तान के आवाम जो है उनको भी भीख मांगने की आदत हो गई है, क्योंकि भीख मांगना एक सबसे आसान जरिया होता है पैसे कमाने का। बस हाथ फैलाओ अल्लाह के नाम पे और आपको पैसे मिल जाते हैं। तो जब उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान सरकार जब IMF से जब कर्जा लेकर आती है ढेर सारा और उनको चुकाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है वापस दोबारा से, तो अगर चुकाना भी होता है वो सारा जो भार है वजन है वो पाकिस्तान की आवाम पे डाल देती है। वो हर तरीके से ट्राई करती है कि यहाँ से टैक्स निकालो, वहां से टैक्स निकालो। बेचारे जो पाकिस्तानी आवाम है वो इतना टैक्स दे दे के पागल हो जाती है, मजबूर हो जाती है। और इतना महंगाई आपको पता ही है, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो बिजली की है, बिजली बड़ी महंगी है। वहां पे एक बंदे ने एग्जांपल दिया कि 30,000 बंदे की सैलरी है, उसकी फैमिली है, दो बच्चे हैं, उसमें से 12,000 ऑलमोस्ट बिजली का बिल आ जाता है। फिर किराए का मकान होगा तो किराया देना पड़ता है, फिर आपको उसमें खाने पीने का आ जाता है, और भी 100 चीजें हो जाती है। तो बेचारा एक सिंपल सा मिडिल क्लास का आवाम कैसे अपना खर्चा निकालेगा। तो जो लोग हैं अपने फैमिली का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूरन क्या करती है, इधर उधर से पैसे इकट्ठा करती है, वीजा लेके बाहर देश में जाती है। उसको पता है वहां पे उसको कोई जानता नहीं, वहां पे वो ऐसी ऐसी जगह ढूंढ ढूंढ के छाट छाट के बैठ जाते हैं कोई भी रिलीजियस प्लेस के वहां पे, या कहीं पे भी उनको पता चल जाते हैं अड्डे जहां से अच्छा पैसा मिलेगा, भीख मिलेगी, तो वहीं बैठ के फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा, UAE है और भी बहुत सारे देश हैं, अब उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। अभी हाल ही में, अभी जैसे मैंने आपको बताया, UAE ने एक ही दिन में 3,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया वापस पाकिस्तान। उनकी ये शिकायत थी कि ये यहाँ पे आके भीख मांगते हैं उनके देश पे और वहां का माहौल खराब होता है। और अब उन्होंने ये भी स्ट्रिक्टली जो पाकिस्तान की सरकार को बोला है कि भी अगर इस तरीके से पाकिस्तानी अगर वहां पे भीख मांगने आएंगे तो वो वीजा जो है वो बंद कर देगी पाकिस्तान के लिए। और अभी एक जो सज्जन है उन्होंने ये भी चीज बोली कि भी उनका कोई दोस्त वगैरह है वीजा के काम वगैरह में, वो काम करता है वीजा देने का, तो उस बंदे ने उनको ये भी बताया कि आने वाले एक दो साल में श्रीलंका जैसी जो कंट्री है, श्रीलंका बांग्लादेश, वो भी पाकिस्तान को वीजा देने से मना कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम खुद इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि पाकिस्तान ने खुद ही ऐसे काम कर रखे हैं, खुद ही ऐसे हालात कर रखे हैं, तो जिससे पूरी दुनिया जो है वो उस पर थू थू करती है, जूते मारती है, और सब पाकिस्तान का नाम सुनते ही वो उनसे हेट करना शुरू कर देती है और चाहती है कि हम उनसे दूर ही रहे। उन्होंने कुछ लोगों ने यह भी बोला कि एयरपोर्ट में जब कोई भी किसी भी देश के जो आवाम है उनकी जब चेकिंग होती है बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, मगर पाकिस्तान का आवाम जब आता है एयरपोर्ट में उसकी 2 घंटे स्पेशली साइड हटा के अच्छे से पूरी चेकिंग होती है, और क्योंकि उनको लगता है कि दहशतगर्द का देश है पाकिस्तान, तो उसको अच्छे से तलाशी करी जाए।
तो ये सारी चीज है। तो पाकिस्तानी अवाम ने इस चीज को माना कि आज ये सारे कुछ का कसूरवार खुद पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सरकार है। जब तक वो लोग खुद ठीक नहीं होंगे तब तक ऐसा चलता ही रहेगा आगे, और पाकिस्तान अभी जिस स्टेज में पहुंच चुकी है उससे भी नीचे चला जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप जो भी इस टॉपिक पे जो पाकिस्तानी आवाम ने जो भी कमेंट करा, जो भी बातें करी, आप उसे कितना सहमत है, कितना सहमत नहीं है, आपकी अलग से राय है तो आप वो भी बता सकते हैं। तो आप अपनी राय और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।